तो अच्छे ना आप सब। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई साहब। आज हम बताएंगे तमिल मूवी के बारे में भाई साहब, तमिल मूवी के बारे में रिव्यू करेंगे और पुष्पा 2 की रिव्यू करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। भाई साहब हम बताएंगे कि अभी के टाइम पे राज कौन कर रहा है भाई साहब, आप कमेंट सेक्शन में फटाफट बताओ भाई साहब। अभी के टाइम पे राज कर रहा है तमिल भाई साहब, तमिल इंडस्ट्री राज कर रहा है अभी के टाइम पे भाई साहब। आप ध्यान से सुनेगा मेरा बात कि बॉलीवुड वाले भाई साहब क्या हो गया, बॉलीवुड वाले नीचे की तरफ नाम गया। पहले वाले आप सीन देख लीजिए भाई साहब, जो भी हीरो थे भाई साहब उसी के टाइम पे जो हीरोइन थे भाई साहब उसका नाम पर ही फिल्म चल जाता था, मतलब उसी टाइम पे भाई साहब। आप ध्यान से सुनेगा जो ये फिल्म बना रहे थे सुपर से डुपर हिट हो रहा है। और अभी के टाइम पे क्या होगा भाई साहब, अभी के टाइम पे कौन सी क्वालिटी की भाई साहब हीरो आ गए भाई साहब के कोई फिल्म भी बना रहा है, कुछ नहीं हो रहा है भाई साहब। आप ध्यान से सुनेगा मेरा बात। अभी के टाइम पे भाई साहब के बॉलीवुड गाइस दोबारा से गाइस नीचे की तरफ से गिर गया था, लेकिन दोबारा से उठाया कौन, ध्यान से सुनेगा हमारा बात। दोबारा से भाई साहब जैसे ही पठान फिल्म आया तो बॉलीवुड की भाई साहब सिर दोबारा से ऊंचा हो गया भाई साहब, ऊपर की तरह उड़ रहा है भाई साहब बॉलीवुड। पठान करने के भाई साहब क्या बताऊं, उसके बाद आया है गद्दार। गद्दार तो सबकी रिकॉर्ड फेकॉर्ड तोड़ताड़ दिया भाई साहब, क्या बताएंगे गद्दार में गाइस। इसीलिए बॉलीवुड की सिर ऊंचा है, लेकिन भाई साहब तमिल के सामने कुछ नहीं गाइस। तमिल अगर कोई भी फिल्म बना लिया तो 500 करोड़ रुपया 1000 करोड़ रुपया तो यही कमा लेंगे भाई साहब। अभी के टाइम पे गाइस तमिल में कौन आ रहा है भाई साहब, ध्यान से सुनेगा मेरा बात। सैलर आ रहा है भाई साहब, अभी के टाइम पे सैलर आ रहा है, जवान सैलर आ रहा है, उसके बाद आ रहा है लियो आ रहा है, थालापति विजय के लियो आ रहा है, पुष्पा 2 आ रहा है भाई साहब, क्या बताएंगे आप भाई साहब, 3 आ रहा है। लेकिन अब एक बात ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, कोई फिल्म गाइस छोड़ने के मतलब कोई फिल्म पब्लिश करने से पहले भाई साहब एक टाइमिंग होना चाहिए, वो एक टाइमिंग होना चाहिए आपको, ध्यान से सुनेगा मेरा बात। 2023 के अंदर छोड़ा जाएगा, रिलीज होगा फिल्म, जो फिल्म जवान फिल्म रिलीज होगा, जवान फिल्म होगा, उसके बाद होगा लियो होगा, थालापति विजय की लियो होगा, जेलर तो हो गया भाई साहब, इसके बाद होगा सैलर होगा, ये फिल्म 2023 के अंदर रिलीज होगा भाई साहब। लेकिन 2024 में जो फिल्म रिलीज होगा वो है पुष्पा 2 भाई साहब, समझ सकते हो डायरेक्टर की भाई साहब क्या बताओ गाइस, दिमाग ही कुछ और है भाई साहब। रिलीज करने की टाइमिंग भी होना चाहिए भाई साहब, एक फिल्म सबके अंदर छोड़ा जाएगा तो कौन सा फिल्म देखने जाएंगे भाई साहब, आप कौन सा फिल्म देखने जाएंगे, एक टाइम पे छोड़ा जाएगा 10 दिन 20 दिन अंदर अंदर तो कौन सी फिल्म देखने जाएंगे आप। लेकिन गाइस कुछ 4-5 महीने बाद मतलब 2024 में गाइस छोड़ा जाएगा तो फिल्म आप देखने जाएंगे, हैप्पी न्यू ईयर की तरफ से भी देखने जाएंगे आप, यू ही देखने जाएंगे और उसके फैन होने की हिसाब से जाएंगे आप वो फिल्म देखने के लिए गाइस। पुष्पा 2 के अंदर दिखाया जा रहा है ट्रेलर, बहुत ही तोड़फोड़ दिया, मचोड़ दिया भाई साहब, क्या बताएंगे ट्रेलर भाई साहब। उसमें डायलॉग थे पुष्पा में, डायलॉग थे भाई साहब पुष्पा राज में झुकूंगा नहीं साला। लेकिन इसका फिल्म के अंदर दिखाया जा रहा है जब जंगल में जब शेर होता है तो सब पीछे हटता है, जब समझो कि शेर 2 कदम पीछे हटता है तो समझना पुष्पा आएगा। तो भाई साहब क्या बताओ, ट्रेलर में तो तोड़ फोड़ दिया भाई साहब। अगर जंगल में कोई जानवर 2 कदम पीछे ले तो समझो शेर आया है, लेकिन जब शेर ही 2 कदम पीछे ले तो समझो पुष्पा आया है। जो फिल्म के अंदर गाइस कुछ आप फिल्म के बारे में बात कर लो, जो भी फिल्म बॉलीवुड में गाइस एक फिल्म के अंदर 200-300 करोड़ रुपया कमा रहे हैं, लेकिन पुष्पा 2 के पोस्टर में ही गाइस 600 करोड़ रुपया, भाई साहब क्या बताएंगे आपको भाई साहब, ध्यान से सुनेगा मेरा बात। क्या लिया जिनके नाम पर ही सब चले जाएंगे भाई साहब, स्टाइलिश स्टार भाई साहब क्या बताएंगे आपको। तो गाइस आलिया जून की गाइस पुष्पा 2 2024 में गाइस हैप्पी न्यू ईयर के बाद कौन देखने जाएंगे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा गाइस। और पुष्पा 2 की ट्रेलर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, इस ट्रेलर आपको अच्छी लगी मतलब पुष्पा 2 की रिव्यू अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन कॉल कर देना। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक अच्छे रहे, बाय बाय।